नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। भावना जी की वसीयत के मुताबिक अब उनके बेटे राहुल की सारी जिम्मेदारी आपको सौंप दी गई है। आप उनके रिश्तेदार हैं क्या? जी नहीं। उन्हें बहुत पहले से जानते हैं? जब से वो स्कूल में थी। उन्होंने अपने बेटे के नाम जो भी जायदाद छोड़ी है उसे ट्रस्ट में रख दिया गया है। सारे कागजात तैयार होने पर आपको भिजवा देंगे। अब आप बच्चे को कहाँ ले जाएंगे? नैनीताल। वहां आपका परिवार है? जी नहीं, मैं अकेला रहता हूं। इस उम्र में आप एक छोटे बच्चे को संभालेंगे? मेरा मतलब इसका बाप नहीं है क्या? कागजात तैयार होते ही हम आपको भिजवा देंगे।
इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव अ कैंटिलीवर प्रोजेक्शन ओवर हियर। ये जो पॉइंट दिख रहा है, सारा रोशनी छोड़ेंगे आप, इस पॉइंट से यहाँ तक रैंप्स का प्रोविजन करना था। वेयर इज इट? और ये प्रोपोर्शंस क्या है, क्या ग्रीक थिएटर बना रहे हैं आप? कैंसिल। ठीक है, कुत्ते का नाम? व्हाट? धीरे बोलो बेटे, क्या बात है? क्या क्या कुत्ते ने? अच्छा सुनो, मैं अभी घर आ रहा हूँ। मम्मी तो नहीं घर पे? शॉपिंग नहीं है? थैंक गॉड। अच्छा सुनो, अगर वो जल्दी लौट आए तो डोंट टेल, उनके पहुंचने से पहले पहुंच जाऊंगा। आ रहा हूँ बेटे। मेरी बीबी को कुत्तों से बहुत प्यार है सर। मेरी को बिल्कुल नहीं है। जान निकल जाती है इस ट्रैफिक में, जाना पड़ जाए शहर। 4 बजे से निकली हूँ। ये लो तुम लोगों की काले पेंसिल्स आ गई, फिर नहीं घुमाना। यहाँ से फूलदान कहाँ गया? किसने उठाया? अब्दुल जरा पानी देना। यहाँ से फूलदान कहाँ गया? जी मुझे मालूम नहीं। इस घर में तो किसी को कुछ मालूम ही नहीं रहता ना। ये लो तुम्हारी पेंसिल। अरे यहाँ तस्वीर की जगह ये कैक्टस किसने रखा? बेला जब देखो गायब रहती है, घर में तो कदम ही नहीं टिकता उसका। आप लोग इतने चुपचाप क्यों बैठे हैं? लो, घर में चुपचाप नहीं बैठ सकते शराफत से? आप लोगों की शराफत मैं खूब जानती हूँ। मारे गए। इंदु, इंदु बाथरूम जा रही हो क्या? क्या? मुंह धोने जा रही हो क्या? क्यों? ऐसे ही मैंने सुना है ज्यादा मुंह धोने से स्किन खराब हो जाती है। कहाँ सुना? वो मैं ही कह रही थी। नहीं नहीं पापा, मैं ही कहा था, वो तो दीदी ने कहा था। नहीं नहीं, मैंने भी नहीं कहा था। मम्मी मैंने तो वो रेडियो पे सुना था। हाँ हाँ, रेडियो पे सुना। क्या हो गया तुम लोगों को? पापा हाँ? अब तो फंस गए। हाँ मालूम था। मम्मी मम्मी पापा को रहने दो। चुप। एक फोटो फ्रेम तोड़ा, एक फ्लावर वाज तोड़ा, एक कर्टन फाड़ा। ये तो अभी पहले ही दिन का कमाल है। थोड़े दिन में तो सारे घर को उजाड़ के रख देगा। रखेगा कौन संभाल के? पट्टा बांध के रख लेंगे। कोई जरूरत नहीं है। कहाँ किसने था लाने को? ये बेला भी नहीं आई। जब देखो गायब रहता। मैं उस कुत्ते को नहीं रहने दूंगी। हाँ कह दे रही हूँ। कितनी बार कहा है वो चश्मा उतार के फेंको। अरे तो पढ़ूंगा कैसे? बिल्कुल चपरासी लगते हो। तो क्या हुआ? पीठ का दर्द कैसा है तुम्हारा? अभी तो ठीक है, लेकिन साइड पर 2-3 घंटे खड़ा रहना पड़ा। चलो मैं देखती हूँ। क्या जरूरत है इतना काम करने की? अरे तुम्हारी और तुम्हारी बच्चों के लिए करता हूँ भाई। रहने दो, काम करने का शौक है तुम्हें। सब कुछ तो है हमारे पास। सब कुछ ही तो नहीं है। क्या नहीं है? हीरों का हार नहीं है। तो किसे चाहिए हीरों का हार? ओह अच्छा, तो फिर कांता के हार को इतनी ललचाई हुई नजरों से क्यों देख रही थी? छी, मैं तो इसलिए देख रही थी क्योंकि इतना भद्दा हार पहना हुआ था। अच्छा अच्छा, चलो हार ना सही, लेकिन पति तो उसके जैसा ही चाहिए। कोई कोहिनूर भी लाके देना, तो सूरी साहब जैसा पति नहीं चाहिए। तो कैसा पति चाहिए? है ना मेरे पास? हाँ है तो सही, लेकिन कभी तारीफ तो क्या करो। इंदु
बात कहूं? उस पपी को घर में रहने दो। चालाक बंदर! छी, मैंने पीती, इसमें मलाई है। कोई मलाई वलाई नहीं, दूध पियो अपना। हाथ नीचे रखो ना। अरे हाथ नीचे रखूंगा तो कॉफी ऊपर कैसे आएगी? तो वो हाथ यूज कर लो। पपी पापा का नाम रख दो ना। रुपर, पापा पपी का नाम रख दो। यूज तो बिट। सुबह सुबह लड़ो मत तुम दोनों। कॉफी पीने दो ना। नहीं, वो दूध पीता, कॉफी नहीं पीता। मैं पपी की नहीं, पापा की बात कर रहा हूँ। मेरे नाम रघुनाथ का भी। चुपिड़। वो भी कोई नाम होता है? मिनी रखने से गड़बड़ हो जाएगा। कुत्ते को बुलाएंगे तो आप दौड़ी आएंगे और आपको बुलाएंगे तो कुत्ता दौड़ आएगा। कुत्ता रहेगा ही नहीं तो नाम ढूंढने से क्या फायदा? अपने अपने विटामिन ले लिए ना? विटामिन लिए? ले लिया पापा। मैं आपसे भी पूछ रही हूँ। हाँ, मैंने भी ले लिया। पापा, आप झूठ बोलते हो। शाम को थोड़ी सा की पार्टी में जाना है, भूलना नहीं। बाय। एक लकड़ी दा हॉट जिसमें गरम गरम पानी होता है, उसमें आपके होस्ट, उनकी बीवी और आप आदम साहब लगे। गरम गरम पानी दी, चिट्ठा दी मलिशा, कभी इधर गुदगुदी तो कभी उधर गुदगुदी। चाय तो ठीक करो। चाय को क्या हुआ? आठी पे आए हो। ठीक है। अरे लेट लतीफ। अरे गया बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। जी नमस्ते जी। आप सुरी की हाल है? ओ फर्स्ट क्लास। सुरी सब सुनी जी। जी क्या ज्यादा शराब नहीं पीएंगे? वो तो सवाल ही पैदा होता। सवाल ही पैदा नहीं होता, दो बैंक में बिल्कुल टून हो जाते हैं। सुरी, नो ड्रिंकिंग टुडे। नो ड्रिंकिंग टुडे। जरा शायरी पे भी मेहरबानी। प्रॉमिस नहीं कर सकता, नो ड्रिंकिंग, दैट्स अ प्रॉमिस। अच्छा प्रॉमिस। सब लिमिट में डीके। छूटते ही शिवा तो पटियाला पैक। टू स्टार्ट। इतने सारे लोगों की मुझे अंदाजा ही नहीं था। वो एक कैंपेन ला साहब के लिए पटियाला पैक बाद। यस यार डीके, आई वांट यू टू मीट द चेयरमैन ऑफ एफडीसीसी। एफएम यार, क्या कर रहे हो? यार कॉन्टैक्ट्स मीन कॉन्टैक्ट्स डीके, कॉन्टैक्ट्स, कॉन्टैक्ट्स मीन कॉन्ट्रैक्ट। जी काम की बात सुनिया करो। शर्मात शर्मात। हेलो बेटे। बेटे ये अंकल है ना, ये फिल्म बनाते हैं ना, वो शोले के डायलॉग है ना, सुना दो। कितने आदमी थे? सरकार दो और तुम तीन, फिर भी खा लिया वापस लौटाए। अच्छा बोल लेता है ना। हेलो चंदा। हाय। तुम परसों फोन करने वाली थी, क्या हो? क्या करूँ, काम में बिजी हो गई। बाहर जाए जब देखो काम में लगी रहती। तुम तो छोड़ने वाली थी ना सिगरेट। कल से, कल से। हेलो जी, नमस्ते। I want you to meet Sada Bacha. Hello. This is my boy. How do you do? Ike Barotra. Superstar cricket. Hi. ये तो वो ही है जो शीतल के पार्टी पे पहने थे। बहुत सुंदर है। रत्ना नहीं आई, बुलाया तो था लेकिन उसकी हालत तुम जानती ही हो। इडियट है, जब देखो रोती रहती है और वो भी हस्बैंड से मुंह छुपाकर। ना लड़के प्रोटेस्ट करती है ना रोक। प्रोटेस्ट मतलब? हा। और उस जमाने में तुझे याद है डीके कि तेरी तो एथलेटिसिज्म है जी और साडा शहरानापन है जी, उस पे कितनी लड़कियां मरती थी। मुझे सबसे कुछ बात नहीं, वो सब कुछ खुद भूल चुका है, भूल जाओ सब। तुम भूल गई हो क्या? क्यों फिक्र करती हो इतना? ठीक ही तो हूँ, ठीक नहीं लग रही। अंगड़ाई न ले ना से हाथों को उठाकर, सीने से तेरे देख देख, सीने से तेरे देख, दुपट्टा न ढलक जाए। वाह वाह क्या ढलका है, क्या ढलका है। हैविंग मी ऑन यार। वो मैं कहती थी याद है, वो एक गजल थी, हुजूर इस कदर ना इतना के चलिए। हो जाए जी, क्यों हो जाए, हो जाए, गाएगा, हो जाए। चल यू स्टार्ट, यू स्टार्ट। ओके यार सूरी, ऐसा है कि मेरा जरा गला खराब है,
आप शुरू करें। जी हाँ, नखरे। Your voice नहीं, नखरे, नखरे नहीं। Your voice is better. I've got a better voice. You got it. ऐसा कर, तू शुरू कर, I'll join you. क्या कर रहे हो यार? It's not who. अलाप। हाँ। आह। ऐसा कुछ था ना? चलिए हुजूर कदर भी ना
अब किसी रत्न अभी कुछ पता नहीं चला। रत्ना नहीं सर, सीधा रख। हिंदू नहीं रत्ना, ऐसे नहीं। क्या मिला तुम्हें नीम की गोलियां खाकर? कुछ हल हुआ नहीं? अगर कुछ करना ही था तो अपने पति को गोलियां खिला देती, या तो फिर उसको दूसरी जो रख ली है उसको। तुम्हारे मरने से तुम्हें क्या मिलेगा? चुप करो ना चंदा, ये कोई वक्त है गुस्सा करने का? आ गए हो, अब क्या लेने आए हो? इस हद तक तो ले आए हो रत्ना को, अब और क्या करना चाहते? चुप करो चंदा। क्यों चुप रहूं? किसी को तो बोलना ही पड़ेगा। सब चुप बैठ जाए रत्ना जैसे, और ये जनाब जो मर्जी करते रहे। चलो चलते हैं, हम लोग चलते हैं। कम ऑन, कुछ सोच समझ के बात किया करो। अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता तो तुम सोच समझ के बात करती क्या? नींद की गोलियां खा लेने से मुश्किल थोड़ी हल हो जाती। वो भी तो पागल है ना हस्बैंड उसका, बाल बच्चे होते हुए ऐसे कैसे भटक जाते हैं। शादी की जिम्मेदारी उठाई नहीं जाती तो शादी करने की जरूरत क्या है? अगर मैं पैदा ही नहीं होती तो क्या होता? तो मिन्नी की जगह मुन्ना होता। मेरा भैया। तुम्हारा नहीं, मेरा भैया। क्यों, मेरा भी तो होता। तुम्हारा कैसा होता स्टूपिड, तुम तो पैदा ही नहीं होती। यू स्टूपिड। हाँ, बड़ी दीदी से ऐसे कहते हैं? तो क्या छोटी दीदी को ऐसे कहते हैं? हिंदू अगर तुम्हारा एक मुन्ना होता तो? एक है ना। कहाँ है? छुपा के रखा है क्या? ये है ना, काफी नहीं है क्या? क्यों लकी हिंदू? क्यों? तुम्हारा तो है, मेरा नहीं है। अरे भाई, तुम बताते भी तो नहीं कि हमारी चिट्ठी का कोई जवाब आया कि नहीं। जवाब आता तो मैं तुरंत आपके पास पहुंच जाता मास्टर जी, आप मेरे अतुए चिंता क्यों करते हैं? चिंता तो है ना बेटा, इस लड़के के लिए मेरा क्या भरोसा। लो, इस बार उसे तार भिजवा दो। आप अपना ठीक से इलाज करवाइए मास्टर जी। बुढ़ापे का कोई इलाज होता है बेटा? मास्टर जी ऐसी बात है, आप क्यों? जाओ जल्दी से तार भिजवा दो। टेलीग्राम है। किसका? गुरदयाल सिंह। गुरदयाल सिंह नैनीताल से? लिखा है जरूरी काम है, फौरन आ जाओ। कौन है? हमारे पुराने स्कूल के हेडमास्टर गुरदयाल सिंह। कोई खास बात है? पता नहीं, पहले तो कभी इतने सालों से मिला ही नहीं मैं उनसे। ऑफिस से फोन कर लूंगा। हाँ कर दूँ। नहीं नहीं आपको नहीं। 45 हाँ। अच्छा वहाँ तक तो ले जाएंगे फाउंडेशन। चेक कर लें। मॉर्निंग सर। हाँ इधर ले। मिस्टर धवन आपका इंतजार कर रहे हैं। उन्हें क्लाइंट्स आ गए क्या? जी। ओके। क्या नाम है उनका? मिस्टर बंसल। बंसल। हाँ सुनो,
Just get me a trunk call to Nainital. जी. ये नंबर है. Urgent, हाँ? Okay. Okay. Thanks. This is the International Trade Center. I see. और ये एक एम्बेसी है. और हाँ, ये रही नील कमल की बिल्डिंग, जिसकी आप बात कर रहे थे. ये है इसके स्कीमेटिक डिजाइन. Come in. आओ डीके, तुम्हारी इंतजार थी. ये है मिस्टर बंसल, मिस्टर मल्होत्रा माय जूनियर पार्टनर. आओ बैठो डीके. बंसल साहब, डीके इज माय ब्राइटेस्ट आर्किटेक्ट. डीके, बंसल साहब एक बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बनवाना चाह रहे हैं. बंसल भवन, यही नाम है ना? जी. और ये चाहते हैं कि हम एक प्रपोजल दें. पहला प्रेजेंटेशन तुम ही करोगे. मैंने नील कमल बिल्डिंग के एक स्कीमेटिक डिजाइन दिखा रहा था, तुम ही समझा दो. Sure. जी नहीं, गुरजाल साहब तो रिटायर हो चुके हैं. फोन नंबर दे सकते? नहीं नहीं, फोन नहीं है उनके पास. आप कौन बोल रहे हैं? मैं डीके बोल रहा हूँ, दिल्ली से. मुझे एक गुरदयाल जी का तार मिला था. आप क्या डीके मल्होत्रा बोल रहे हैं? जी हाँ जी हाँ. आप कौन है? हुजूर, मेरा नाम तिवारी. तिवारी जी हाँ, मैंने ही आपको तार भेजा था. एक चिट्ठी भी भिजवाई थी मास्टर जी ने. चिट्ठी तो नहीं मिली मुझे. नहीं मिली, लेकिन तार मिला था. तिवारी जी, क्या काम है मास्टर जी को? काम तो बहुत पर्सनल. हेलो 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 हेलो, क्या काम है? आप डीके मल्होत्रा ही बोल रहे हैं ना? जी हाँ, मैं डीके ही बोल रहा हूँ. क्या काम था? जी वो कहते हैं कि आप नैनीताल आकर अपने बेटे. हेलो 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 तिवारी जी, हेलो, क्या कहते हैं मास्टर जी? वो कहते हैं कि उनके पास वक्त बहुत कम है. और हाँ ठीक है ठीक है, काम क्या है? वो कहते हैं कि आप अपने बेटे को यहाँ से ले जाइए. बेटे को? किसके बेटे को? तिवारी जी, मेरा कोई बेटा नहीं है. आप क्या बात कर रहे हैं? हेलो 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 ऑपरेटर, हेलो 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 तिवारी जी, हेलो तिवारी जी, ये बात क्या है? मास्टर जी ने और कुछ कहा होगा ना? आपको कुछ मालूम है क्या? जी, उनके यहाँ एक छोटा लड़का रहता है. जब से उसकी माँ उसको मास्टर जी के पास छोड़ के गई है. हेलो, कौन कौन छोड़ के गई है? उसकी माँ भावना. भावना? भावना? अच्छा, अनिता जी, सुनिए. हाँ हेलो तिवारी जी, हेलो 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 तिवारी जी, हेलो ब्लास्टेड. हेलो कोई परेशानी है? नैनीताल कॉल मिला था? हाँ मिला था. मास्टर जी तो नहीं थे वहां, लेकिन किसी तिवारी साहब से बात हुई. इंदु, वो कह रहे थे. क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि मास्टर जी की तबीयत खराब है. लाइन बड़ी खराब थी, कुछ ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था. पर यही कह रहे थे, मास्टर जी की तबीयत खराब है. तो कुछ पैसे भेज दो इलाज के लिए. नहीं इंदु, बात सिर्फ वो नहीं है. तो क्या बात है? लीव मी अलोन इंदु, प्लीज. कोई प्रॉब्लम है मेरी? तुम्हारा ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जो मेरा नहीं है? क्या बात है? कुछ नहीं, कोई ऑफिस की प्रॉब्लम है. ठीक है. हाँ मैं हूँ. हाँ बोलो इंदु. नैनीताल से चिट्ठी आई है, पढ़ के सुनो. तुमने पढ़ ली क्या? नहीं, मैंने तो खोली भी नहीं. खोलूं? नहीं नहीं, ऐसा है मैं शाम को घर पे आके पढ़ लूंगा. ओके. नहीं सुनो इंदु, ऐसा करते हैं मैं ऑफिस से पियोन को भेज देता हूँ, उसके हाथ मेरे पास भिजवा दो. ओके ओके. नीता, मेरे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देना. ऐसे कैंसिल देना.
बेटी, वो कभी नहीं चाहती थी कि तुम्हें इस बच्चे के बारे में मालूम पड़े। जब बच्चा पैदा हुआ और मुझे मालूम हुआ तो भावना ने मुझे एक ही बात कही थी कि डीके को मत बताना, उसकी अपनी जिंदगी है, अपना परिवार है। और वो बच्चा न हंसता है न रोता है, सारा दिन खिड़की के बाहर देखता रहता है, न जाने किसकी इंतजार में। ऐसे लगता है इतनी सी उम्र में ही उसका बचपन खत्म होता जा रहा है। मैं उस उम्र में उसे कुछ नहीं दे सकता। उसे माँ की जरूरत है, उसे अपने बाप की जरूरत है, उसे एक परिवार की जरूरत है। डीके मुझसे तरह तरह के सवाल पूछता है जिनके जवाब मैं नहीं तुम ही दे सकते हो। मेरे पास जिंदगी के कुछ ही दिन बाकी हैं। जाने से पहले तुम्हारे बेटे को तुम्हारे पास भेज देना चाहता हूँ। शांति शांति। वही मुझे मालूम नहीं, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ ना। तुम्हारी मिनी बंद करो ना अपना कॉरस। मम्मी टिट्टू के गाने आ रहे हैं। चिंटू मामा लगता है तुम्हारा। शांति शांति बंद करो। मम्मी प्लीज चिंटू मामा के गाने आ रहे हैं। मम्मी नहीं डिस्टर्ब करता है। मम्मी वो कुछ नहीं, पहले आप मुझे ये बता दीजिए। मम्मी देखिए वो उठा नहीं, मैथ में फंस जाता था और बाकी सब चीजों में मैं फंस जाती हूँ। मम्मी मम्मी पहले आप मुझे बता दीजिए। मम्मी मम्मी ओ पापा आप आ गए। पापा चिंटू मामा के गाने आ रहे थे, मम्मी ने बंद कर दिया। कौन चिंटू मामा? ओफ कितनी बार कहे चिंटू मामा। चुप पापा, ये देखिए ना, ये सब मुझे बिल्कुल ले आते हैं पापा। बेटे मम्मी से पूछो। मम्मी को नहीं हंसा आता ना पापा, आप ही बताइए। इसलिए ये देखिए पापा, ये देखिए ये दो पापा। शुक्रिया तुम आ गए, संभालो। बताइए ना पापा। चीनी कम डालना। चलिए आइए इधर बैठिए और सब बताइए पहले। अच्छा अच्छा। देखिए विंकी का होमवर्क मुझसे नहीं होता, वैसे ही मैं हिसाब में कमजोर हूँ। ऊपर से ये न्यू मैथ पे पता नहीं क्या ब्लॉक्स बनाने पड़ते हैं। अब से तुम देखा करो, अगर कहीं वो मोटी फर्स्ट आ गई ना तो विंकी माफ नहीं करेगी मुझे। उठो, कपड़े नहीं बदलोगे क्या? इंदू, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। कहो। तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। क्या बात है? अब रहने दो, फिर कभी बता दूंगा। कुछ नहीं है इंदू। प्लीज ठीक है, ऐसा मत करो। क्या बात है इंदू? मेरी जिंदगी में एक और लड़की आई थी। ऐसी बातों में मजाक नहीं करते। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं इंदू। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। जब मैं गया था वहां, कहां? नैनीताल, नए स्कूल के ओल्ड बॉयज फंक्शन में। तब तो विंकी पैदा होने वाली थी। हाँ, तब वो वहां मुझे मिली थी। कौन? भावना, वो लड़की। इंदू, मुझे मुझे मालूम नहीं कैसे मैं अपने आप को संभाल नहीं सका। शायद
मैं अकेला था वहां और वो भी अकेली थी। एक बार मैं उसके घर गया और उसके कहने पर रात को मैं वहां रुक गया। नहीं रुकना चाहिए था मुझे, मुझे नहीं रुकना चाहिए था, लेकिन oh, take it, please. Stop it. Stop it. इंदु, उसके बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा इंदु, I swear. और तब भी मेरा उससे कोई खास रिश्ता नहीं था। खास रिश्ता नहीं था, इससे ज्यादा खास और क्या होता है? देखिए तो आप क्या चाहती है? वो कुछ नहीं, वो तो मर चुकी है। She's dead. उससे बेटा है मेरा। हाँ ठीक है, ऐसा मत कर, ठीक है? ये सब क्या हो रहा, ऐसा मत कर। मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मी, मम्मी इनकी बेटी, आप सो जाइए, चलिए चलिए। दिल्ली प्यार का दुश्मन हाय है, प्यार का दुश्मन जान का दुश्मन हाय है। सैयद दिल्ली प्यार का दुश्मन हाय है, प्यार का दुश्मन जान का दुश्मन हाय। मामा, हाय देयर स्ट्रेंजर। आज के यार, तू कह रहा था कि तू काम कुम में फंसा हुआ है, आज कैसे आना हुआ? तेरे से कुछ बात करनी है यार, बहुत प्रॉब्लम। क्या बंसल पवन ना कोई प्रॉब्लम है? अगर तू कह तो बंसल मैं अभी टेलीफोन करता हूँ, फिट करा दूंगा बिल्कुल। नहीं यार सुन यार, ये एक चीज तो बता तू, अगर तेरी कंपनी को वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो तुझे क्या मिलेगा? That's not the problem यार, फिर बात कुछ और है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सुनी साहब, कसर आ गेम। अजी क्यों माहौल करते हो है? हम तो काम धंधे में और विस्की पीने में लग गए, वरना हम भी बेटे की तरह विंबलडन की तैयारी करते। यार जी के जो मजा अपने बेटे को जवान होते देखकर आता है, वो अपनी जवानी में भी नहीं आता था। यू मस्ट हैव अ सन यार, डीके बेटा बहुत जरूरी है। क्यों जी, आपका बेटा तो आपकी बिजनेस अब संभाल लिया करता होगा। छोड़ो, बात करना चाह रहा था, डिस्कस कर लेंगे प्रॉब्लम। क्या है, क्या हुआ? फिर बाद में बात करेंगे। ओके ओके, बाय बाय। स्टार्टअप तो आएगी, बढ़िया बंदा। टेलीग्राम यहां पे साइन कर दीजिए। हाँ हाँ बता दूंगी। हेलो, हाँ हेलो, हेलो मिस्टर मल्होत्रा। बम के फाउंडेशन में प्रॉब्लम है। मिस्टर मल्होत्रा के ओरिजिनल एस्टिमेट के मुताबिक माइका कंटेंट 40 फुट की गहराई पर मिलेगा, लेकिन सर एरियल सर्वे रिपोर्ट में 35 फुट नहीं। सॉरी, मुझे घर जाना है। एक्सक्यूज मी। I
हिंदू कहाँ जा रही हो तुम? कहीं भी, मालूम नहीं। ये क्या कह रही हो हिंदू? एक मिनट मेरी बात सुनोगी तुम? मुझे कुछ नहीं सुनना है। एक मिनट मेरी बात तो सुनो तुम, एक मिनट नीचे आ जाओ प्लीज हिंदू प्लीज। हिंदू मुझे नहीं मालूम था वो बच्चा यहाँ आने वाला है। झूठ मत बोलो। मैं सच कह रहा हूँ मुझे नहीं मालूम था। ठीक है चाहे कुछ भी हो जाए वो लड़का यहाँ नहीं आएगा, इस घर में नहीं आएगा। मैम साहब टैक्सी चाहिए कि नहीं? नहीं चाहिए। ये लो जाओ। इंदु इंदु सुनो कुछ दिनों के लिए सिर्फ प्लीज। इंदु अब वो यहाँ आ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? जो चाहे मर्जी कर वो यहाँ नहीं आएगा। इंदु सिर्फ कुछ दिनों के लिए आएगा, मैं वादा करता हूँ वो दो तीन दिन से ज्यादा नहीं रहेगा, मैं वादा करता हूँ। मुझे तुम पे एतबार नहीं रहा। तुम्ही ने तो कहा था कि मेरी हर प्रॉब्लम तुम्हारी है, इस बार साथ नहीं दो? मम्मी, मेरा था और मैंने लिया, तुम क्या होता है? तुम चाहते क्या? तुम कुछ भी करते रहो मैं सहती रहूं। मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी कोई फीलिंग्स हैं, मुझ पे क्या गुजरे कभी सोचा तुमने? और ये बच्चे इन्हें क्या समझो, क्या कहोगे इनसे? पापा मुझे गोदी ले लो। आप हमें अंदर ले चलो। मैंने विंकी जरा सुनो। क्या मम्मी? हमारे यहाँ एक लड़का रहने के लिए आ रहा है। कौन है वो? उसका नाम, उसकी मम्मी मर गई है इसलिए हमारे पास आ रहा है। लेकिन उसकी मम्मी कौन थी? हमारे दूर की रिश्तेदार थी बेटी। मम्मी वो कितना बड़ा है? वो 8-9 साल का है बेटी। मम्मी इतना छोटा लड़का, मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, मुझे पढ़ाई नहीं करने देगा। नहीं वो मेरे साथ खेलेगा। उसके पापा कहाँ है? उनके पास क्यों नहीं चला जाता? बेटी उसके पापा कहीं चले गए। उसको अकेला छोड़ के? स्टूपिड पापा, मेरे पापा कभी नहीं ऐसा करते। अच्छा बच्चों चलो अपने कमरे में जाके सो जाओ। गुड नाइट पापा। गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट। गुड नाइट मम्मी। थैंक यू इंदू, तुमने संभाल लिया। मैं अपने बच्चों को संभाल रही थी। खिड़की खोल दो। देखो पुराना किला, बहुत पुराना किला है। शेरशाह सूरी ने या शायद हुमायूं, खैर अब इसके अंदर जू है, बहुत बड़ा, बहुत सारे जानवर हैं। और एक आप मेरी मम्मी को जानते थे? हाँ बेटे जानता था। और पापा को? नहीं पापा को नहीं। मम्मी कहती थी कि मेरे पापा मुझे जरूर मिल जाएंगे।
अब तो मम्मी भी नहीं है, पापा आएंगे भी तो मुझे ढूंढेंगे कैसे? ढूंढ लेंगे बेटा, ढूंढ लेंगे। मिनी, ये राहुल है। राहुल, दिस इज मिनी। हाय। हेलो। विंकी बेटी यहाँ? राहुल, ये विंकी है। विंकी, राहुल। हेलो। हेलो। वो मेरी मम्मी है। मम्मी, ये राहुल है। नमस्ते। नमस्ते। मम्मी, राम मेरे कमरे में सोएगा? नहीं, इनका बिस्तर स्टडी में लगा दिया। लेकिन मम्मी, वहां मैं पढ़ती हूँ। बेटे, कुछ ही दिनों की बात है। अब्दुल, सामान रख दो स्टडी में। चलो, तुम दोनों ऊपर आ जाओ। उठो, ये मेरी जगह है। पापा के साथ मैं बैठती हूँ। बेटे, तुम वहां बैठ जाओ। वो अब्दुल चावल नहीं लाए। मेरा एक पप्पी था, उसका नाम भी मिनी था। मिनी, चुपचाप खाना खाओ। जब पापा पप्पी को बुलाते थे तो मैं भागती थी, जब पापा मुझे बुलाते थे तो पप्पी भागता था। मिनी, आज मम्मी नाराज है। ये तो तुमने खा रही। Thank you.
It is? यहाँ अकेले बैठे क्या कर रहे हो? मैं तारों को देख रहा हूँ। क्यों? मम्मी कहती थी कि अगर टूटा हुआ तारा देख लो तो जो भी मांगो मिल जाता है। देखो देखो अंकल, एक टूटा हुआ तारा। कहाँ? चला गया। कुछ मांगा तुमने? हाँ। क्या? मैं नहीं बता सकता। क्यों? अच्छा अच्छा, अंदर चले। अंकल। हाँ बेटे। मैं आपको बताऊँ मैंने क्या मांगा? मैंने मांगा कि मुझे मेरे पापा मिल जाए। बच्चों को देर हो रही है। आप मेरी मम्मी को जानती थी? नहीं। अंकल तो जानते थे। मालूम है। क्या है? ऐसे क्या देख रहे हो? आंटी, मम्मी भी ऐसी फूलों वाली साड़ी पहनती थी। अच्छा ठीक है, काम करने दो मुझे। और तुमने उस लड़की को आने कैसे दिया? घर में रखा कैसे? रखा क्या, बस आ गया। मैं क्या करती जब उसे देखती? मुझे टीके और उसका ख्याल आता है। ऐसा लगता है चंदा जैसे सब रिश्ते छूटे हैं। ऐसा लगता है जैसे यहां से तो दूसरों की जिंदगी में होते। आई फील चीटेड चंदा, मेरी समझ में नहीं आता क्या करूं। जितना कमजोर बनोगी इंदु, उतना ही ज्यादा सहना पड़ेगा। हाँ मैं आ रही हूं, मैं अभी आई। You know very well I do not like incompetence of any kind at all. Just don't forget. जब मेजर साहब मुझे छोड़ के गए थे मैं भी सिसकियां भरती थी तुम्हारी तरह, लेकिन अब देखो मुझे किस चीज की कमी है। अपना काम संभालती हूँ, अपने लिए जीती हूँ, अपनी तरह जीती हूँ, एक आजाद औरत की तरह। और तुम्हारा बेटा, उसकी याद नहीं आती? मैं तुम्हें कोटी सुनाऊं? कोई जरूरत नहीं, मैं स्टडी कर रही हूँ। प्लीज। मैंने कहा ना स्टडी कर रही हूँ। किसी ने बनाया चिड़ियों को? मम्मी, अच्छा तुम्हें जाती हूँ। मारूंगी तुम्हें। मम्मी।
राहुल भैया मैं आपको अपनी एक कविता सुनाऊं? हाँ सुनाओ। किसी ने बनाया चिड़ियों को किसने बनाया आपको मुझको ईश्वर सर में है। ये किसकी तस्वीर है? मेरे पापा की। आपके पापा ऐसे हैं? पता नहीं ऐसे ही होंगे। कहाँ है? वो तो मर गए होंगे। नहीं, मम्मी कहती थी कि वो बहुत दूर गए हैं, एक दिन जरूर आएंगे। मैंने टीवी पर देखा था कि एक और बच्चे के पापा कहीं दूर चले गए थे। उसकी भी मम्मी ने कहा था एक दिन वो जरूर आएंगे, लेकिन वो तो मर गए थे, उसे पता ही नहीं था। जो फिल्म में होता है वो सच थोड़ी होता है। हाँ, वो तो फिल्म होती है ना। मैं अपने पापा से कहूंगी वो तुम्हारे पापा को ढूंढेंगे। वो कैसे ढूंढेंगे? मेरे पापा बहुत क्लेवर है, देख लेना ढूंढ लेंगे। मिनी, आप क्या कर रहे हो यहाँ? मैं राहुल भैया के साथ खेल रही हूँ। चलो सो जाओ। राहुल भैया कब से हो गए तुम्हारे? ये क्या ले रही हो? नींद की गोलियां। नींद की गोलियां लेने से कुछ हल हो जाएगा क्या? कितनी बार तुमसे माफी मांग चुका हूं इंदु, कितनी बार तुमसे कह चुका हूं मुझसे एक गलती हो गई, तुम भूल नहीं सकती। कैसे भूल सकती हूं? 10 साल में एक झूठे रिश्ते पे जीत रही, 10 साल तुमने मुझे धोखा दिया। तुम इस रिश्ते को झूठ कह रही हो? इन दो बच्चों के रिश्ते को झूठ कह रही है? हमारे दो बच्चे जो उसका भी तो बच्चा है, उससे झूठ कहोगे? इंदु प्लीज, यकीन मानो मुझे उस बच्चे के बारे में कुछ नहीं मालूम था। अगर मालूम होता तो क्या करते? हमें छोड़ते थे? इंदु मत छुआ मुझे। ले दी हो गया है। तुझे मालूम है आज संडे है, साइट वाइट पे तो नहीं जाना कहीं? हैं? फार्म पे आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं सूरी, मैं नहीं आ सकता, मेरा मूड नहीं है यार। ओहो, मूड नहीं है, मूड तेरे मूड शूट तो मैं ठीक कर दूंगा। सूरी सूरी सुन यार, मेरे ख्याल से इंदु का भी मूड नहीं है। ओहो, तो तू इंदु का ताऊ लगता है। दे फोन इंदु नु। ले आ गए मूड के मारे। हैं जी, मूड शूट आपके दुरुस्त हुए। हेलो जी। राहुल भैया चलो चलो ना। जरूर जी। हेलो सूर्य अंकल, कैसे आप? बिल्कुल अच्छे बेटे। हेलो बेटी, तुम्हारे एग्जाम कैसे हुए? अभी तो हुए नहीं आंटी। हाय अली, ये क्या लच्छा बच्चा किसका है? हाय, कितना सोना है। अरे ये किसका लड़का है? ये राहुल भैया है, इसकी मम्मी मर गई और इसके पापा कहीं चले गए। नहीं आए, हमेशा छोले खिलाती है और मुझे बहुत प्यास हो जाती है। नहीं, मत तोड़ो। क्यों? ये मेरे पापा का है, मैं तोड़ूंगा। इनमें जान है, इन्हें भी चोट लगेगी। हट, तुझे कौन कहता है? मेरी मम्मी कहती है। तेरी मम्मी तो मैं। नहीं, पापा पापा। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। पापा, पापा ने राहुल भैया को मारा है?
बब्बू ने मारा, हो ही नहीं सकता। नहीं, मैंने देखा था मारा। बब्बू, बब्बू, यहाँ। तुमने राहुल को मारा? नहीं डैडी, मैंने नहीं मारा। मैं क्या सीना, मेरा बब्बू नहीं मारता किसी ने। नहीं, झूठ बोलते हैं, मारा। अच्छा अच्छा बेटे, मैं देखता हूँ। आ जाओ बेटे। बेटे, आप क्या पीजिएगा? खुल गए बब्बू। हम सब। हाँ जी खुल गए। राहुल, बब्बू ने मारा तुम? क्रिकेट क्रिकेट कौन खेलेगा? आइए आइए, कौन खेलेगा? दोना दानी, दोना टॉस की नहीं रहने का, छोड़ दो, दे दो, दे दो, नहीं नहीं, पहले बड़े फिर छोटे, पहले छोटे फिर बड़े। अच्छा ले, क्लीन बोल्ड। अच्छा देखो, अब छोटों की बारी हो गई, अब बड़ों की बारी। ठीक है, गुगली गुगली फेंक दिया, गुगली। आपकी जगह ये है। किसको फेंकूं? मुझे। मारे शेरनी दी पंजाब से दे हाथे। इन स्विंगर बचे, इन स्विंगर। नहीं करती है। नहीं, मैं फायर हूँ। मम्मी जरा उधर आओ। हाँ, चौकीदार पीछे, पीछे, पीछे। हाँ बेटा इधर। हाँ वही वही। और पीछे। हाँ ठीक है, ठीक है। क्या कहा था मैंने? बड़ा कपिल देव बनेगा? अरे आंटी कैच था कैच। अरे जा, रन ले रहे हैं यार। अपनी फील्डिंग बड़ी लूट है। क्रिकेट है यार, गुल्ली डंडा तो है नहीं। अंपायर साहब ये यहाँ। जस्ट अ मिनट, आओ आइए। क्या कहा था मैंने, गावस्कर बनेगा ना? मेरे जैसे बॉलर मिलते रहे तो गावस्कर बनेगा। ओवर आप, ओवर आप। आप बेटे राहुल, तुम भी तो बॉल करो। कोई बात नहीं, अंडर आर्म कर लेना। चलो राहुल, कोशिश करो बेटे। डैडी, वो फास्ट बॉलिंग करेगा। फास्ट बॉलिंग? कम ऑन शेरे पंजाब, गेट इन देयर। हाँ जी, आ जाओ। क्यों भाई, पंजाब में शेरशाह सूरी? देखा कमाल मेरे। ये क्रॉकरी हुई, कटलरी हुई, ये तो हुजूर हम हैरट से ही खरीदते हैं लंदन में। साढ़े 150% ड्यूटी लगा देते हैं यार। डीके, जब कटिया चमचे हमने कॉलेज में ही नहीं रखे तो अपने टेबल पर कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? तुम्हें तो यार मेरी आए फॉरन की चीजों का, एक बीवी भी फॉरन ले आते तो अच्छा। लच बीवी हैरिस के स्टोर में नहीं मिलती। वो नो ले आते। वैसे एक बारी न्यूयॉर्क में आपकी बीवी तो बता दो ना, कांता से छुपाते क्यों हो? नहीं जी, छुपाने की तो बात ही नहीं है, मतलब ये है कि जब कांता मेरी लाइफ में आई थी उससे पहले ट्रिक्सी मेरी लाइफ में आई थी। ट्रिक्सी? हाँ जी। वो कौन है ट्रिक्सी? माने फुल ऑफ ट्रिक्स। कांता तुम क्यों इतनी सीरियस हो रही हो, इसकी तो आदत है चिढ़ाने की। चिढ़ाने की बात ही नहीं जी, जब से तुमसे शादी हुई है, जब से तुमसे मुलाकात हुई है, उसके बाद अगर किसी और से मैं मिला हूँ तो बताया मैंने कभी?
अगर कोई है तो जाओ दूसरी शादी कर लो। मजाक कर रहा है कांता, बड़ा तुम्हें छोड़कर ये दूसरी शादी करेगा? शादी के बगैर भी तो रिश्ते बन सकते हैं, शादी कोई जरूरी तो नहीं। इंदु क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूँ। इंदु मेरे मुताबिक तुम जो कुछ चाहो कह सकती हो, मगर डीके के लिए कोई जरूरत है नहीं। जरूरत पड़ी तो कहा। मतलब? मतलब इन्हीं से पूछो। अरे क्या हो गया इसे? इंदु ये माजरा क्या है? सुबह से मैं देख रहा हूं कि तुम दोनों के बीच में ये टेंशन है, और जिस तरह से इंदु बात कर रही थी उस लड़के से, राहुल से, ये राहुल कौन है? हा? मेरा बेटा है। क्या? इज माय सन। 73 में जब नैनीताल गया था। उस सारे शोर शराबे के बीच वो भी थी अकेली चुपचाप से। भावना उसका नाम था। स्कूल के दिनों से जानता था उसे। यादें बड़ी हंसमुख हुआ करती थी, लेकिन अब बेटे इस लड़की के साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। स्कूल में ही थी, उसका सारा परिवार मोटर एक्सीडेंट में मारा गया। मास्टर जी ने बताया कि उस दिन से भावना दुनिया से बिल्कुल कट गई। मास्टर जी उसको और उसके परिवार को बहुत पहले से जानते थे, इसलिए भावना की जिम्मेदारी एक तरह से उन पर पड़ी। वो ये चाहते थे कि भावना किसी तरह से अपने गम पे काबू पा सके, या कोई उसे ये समझाए कि ठीक है अपना हाथ दिखा। ये रही तुम्हारी शादी की लकीर, कितनी गहरी और कितनी मजबूत है। इंदु और तुम बहुत खुश हो ना? बहुत। देखो कितनी मजबूती से चली जा रही है, लेकिन ये एक जगह पर आकर। एक जगह पर आकर क्या? रहने दो, तुम इन बातों में विश्वास नहीं करते, नहीं करो। लेकिन तुमने देखा क्या, बताओ किसी? कुछ नहीं, रहने दो। अच्छा एक और बात बताओ, हमारे लड़का होगा या लड़की? एक लड़का तो है, ये वाला लड़का है या लड़की पता नहीं। भाई हमें तो बेटा चाहिए। तो बेटा ही होगा। अच्छा तुम अपना हाथ दिखाओ। मेरा हाथ देखकर क्या करोगे? अरे दिखाओ तो सही। अब मैं बताता हूँ तुम्हारा फ्यूचर, दिखाओ। कहाँ है आपकी शादी की लकीर? ओ हाँ बाएं हाथ। ये रही, बनते बनते रह जाती है, लेकिन हल्की सी चलती रहती है। हाँ कुछ समझ में नहीं आता, शादी है भी और नहीं भी। दिखा वो कहाँ है तुम्हारी जीवन रेखा? ये रही। ये तो बहुत छोटी सी है। मालूम है? मालूम? अच्छा अच्छा, यानी आपने सोच लिया होगा कि जल्दी मर जाएंगे। सोच नहीं लिया, मालूम है। मालूम? और वो मर गए, मुझे यकीन नहीं आता। अजीब किस्म का अंधविश्वास था उसमें। भावना से मिलकर मुझे हैरत होती थी कि कोई इंसान इतने बरसों तक अपने गम को पाल के रख सकता है, जैसे गम ही उसका मकसद बन गया हो। सूरी, भावना के लिए मेरे दिल में हमदर्दी थी, और भावना को उसकी जरूरत थी। सिर्फ हमदर्दी थी सूरी, जो किसी इंसान को किसी दूसरे से हो सकती है, और कुछ नहीं था तब। अरे भूल जाओ ये सब बातें, कुछ नहीं रखा है इनमें भावना, सितारे और किस्मत और हाथ की लकीरें, ये सब पुरानी बकवास। एक नॉर्मल लड़की की तरह जिंदगी गुजार। मुझे डांटो मत,
प्लीज मेरे पास आके बैठ जाओ। उसने मुझे पास बुलाया, मैंने ना नहीं की। उसके बाद जो हुआ कैसे समझा सकता हूँ किसी को? I myself don't understand. सूरी, इनको मेरे बच्चे, सब कुछ है मेरे लिए। मेरा घर टूटता जा रहा है यार सूरी, मैं क्या करूं यार, कैसे समझाऊं इंदु को? मेरा घर टूटता जा रहा है यार। यार एक बात तो तुझे करनी पड़ेगी, उस बच्चे को तुझे भेजना पड़ेगा। जानता हूं यार, कहां मिलूं उसे? बोर्डिंग स्कूल में। उसका भी तो कुछ हक है मुझे। हाँ। कहां जाएगा वो? उसका क्या कसूर है? उस मासूम ने क्या किया? मम्मी ये समझ नहीं हो रहा मुझसे, बताओ ना आके। इधर मिंकी मुझे डिस्टर्ब मत किया करो, मुझसे नहीं होते तुम्हारे सामने। मम्मी आजकल क्या हो गया आपको? मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, वो मोटी फिर फर्स्ट आ जाएगी तो मैं क्या करूंगी? मैं बता दूं, तुम्हें आता है? हाँ आता है। देखो मिनी, मिनी क्या कर रही है? ये कैसे आता है तुम्हें? मैथ में तो मैं हमेशा फर्स्ट आता था, बस हिंदी में थोड़ा वीक था। आगे नहीं पढ़ोगे तुम? दिल्ली में ही रहो ना, यही पढ़ना। यही रहो? हाँ, यही रहना। आंटी से पूछना पड़ेगा। मम्मी से क्या पूछना, मम्मी को तो सभी बच्चे अच्छे लगते हैं। मम्मी को तो सभी बच्चे अच्छे लगते हैं। मैं भी। हाँ, तुम तो जरा शर्माती है, नैने हो ना। गुप्ता कह रहा था कि डिजाइन में काफी काम बाकी है अभी। हाँ सर, है तो। ठीक है, पंसल साहब के ऑफिस में एक हफ्ते में प्रेजेंटेशन करना है, दो फोन उनके ऑलरेडी आ चुके हैं। क्या हुआ है तुम्हें? I'm sorry, sir. मेरी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है। वर्क इज वर्क डीके, ओके? ओके सर, मैं सब अपने साथ घर ले जाता हूँ, घर पर ही खत्म करने की कोशिश करूंगा। लेती रहोगी नींद की गोलियां? जब तक नींद नहीं आती। पूज्या मास्टर जी, मैं यहाँ बिल्कुल अच्छा हूँ। क्या मेरे पापा का कोई चिट्ठी आई है आपको? मेरे पापा का चिट्ठी नहीं, मेरे पापा की चिट्ठी। अच्छा, उनका कुछ पता चला? यहाँ अंकल मुझे बहुत प्यार करते हैं, यहाँ पर एक आंटी भी है, वो भी प्यार करती है लेकिन अभी थोड़ा शर्माती है। आप ठीक हैं? लाल भैया, बनाया किसने है? मैंने। पाजी है कौन?
ये तुम्हारे पापा, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारी दीदी और तुम। मम्मी की जूड़ी कहाँ है? वो तो पीछे है ना, नजर कैसे आएगी? हाँ, नजर तो नहीं आती, पर तुम कहाँ हो? मैं तो यहाँ बैठा हूँ। इसमें कहाँ हो? इसमें तो नहीं हूँ, बना दो क्या? डाल दो ना। अरे मम्मी का पर्स बचे, मैं तो उनके लिए चूड़ा लाना ही भूल गई। राहुल भैया आप क्या लाओगे मम्मी के लिए? मैं आंटी के लिए चूड़ियों का डब्बा बनाऊं। मैंने अपनी एक पोयम बनाई है, सुनाओ। अभी रहने भी दो। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े के दम पे तुम्हारा तोड़ा। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दम उठा के दौड़ा।
चलो Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, mommy. Thank you, mommy. Happy birthday to you. Thanks. Auntie. Happy birthday, Auntie. Thank you. How does it? चुप ना, तंग मत कर। दो। ये तो कुछ नहीं करेगी, उल्टी मेरी राइटिंग खराब कर देगी। मैं भी लिखूंगी। कुछ मत लिख, तुझे कुछ नहीं आएगा। बच्चों, ये आप लोग क्या कर रहे हो? चुप, तुम जाओ। मम्मी आ रही है। क्या बात है? कुछ नहीं, आप बैठिए, नाश्ता कीजिए। ये क्या है? ये है आपका बर्थडे प्रेजेंट। Happy birthday to you. Thank you. क्या है इसमें? आप खोल कर तो देखिए। आपके लिए चूड़ियां भी। बहुत अच्छा है। विंकी आप लाए? नहीं। मिनी तो नहीं लाई होगी। कौन लाया इसको? राहुल भैया ने आपके हैप्पी बर्थडे के लिए बनाया है। पापा देखो, राहुल भैया ने मम्मी के लिए क्या बनाया? पापा देखिए मम्मी के लिए क्या बनाया राहुल ने, देखिए ना। हाँ, very good, ये डब्बा आपने बनाया है, हाँ, बहुत अच्छा है। आंटी को अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, अच्छा लगा उन्हें। बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा लगा। यहां
मैं मम्मी नहीं हूं तुम्हारी, खबरदार जो मुझे मम्मी कहा फिर। मैं बैगन नहीं खाती। स्टूपिड, तुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यू स्टूपिड, यू बैगन, यू कद्दू, यू टिंडा, यू स्टूपिड। मम्मी इसका कहो ना कुछ। विंकी चुपचाप खाना खाओ। चलो भैया जरा गोभी तो दे देना। खून पापा, राहुल भाई के हाथ पे खून है। मम्मी देखो ना, राहुल भाई के हाथ पे खून है। क्या हुआ बेटे? क्या हुआ ये? इंदु कैसे लगी इसे? इंदु, मैं पूछ रहा हूँ इसे चोट कैसे लगी? मुझे क्या मालूम, बताया थोड़ी था इसने मुझे। घर में एक बच्चे को चोट लग गई और तुम्हें मालूम नहीं है? बच्चों के सामने मत चिल्लाओ मुझ पे। सिर्फ इसलिए कि ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, किसी जहर का है। तू जिसका पाप है वही संभाले ना, मेरे गले क्यों बांध रहे हो? शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? तुमसे ज्यादा शर्मनाक बात तो नहीं की ना मैंने, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने किए पे? क्या करूं बताओ मुझे, क्या करूं? सूली चढ़ जाओ। तुम्हें छुट्टी चाहिए डीके? कैसी बातें करते हो तुम? तुम्हें मालूम है कि बाकी सब आखिर की प्रपोजल पहुंच चुकी है? नहीं डीके, आई एम सॉरी, यू कैनॉट गो। सर अगर छुट्टी नहीं मिल सकती तो मुझे रिजाइन करना पड़ेगा। रिजाइन? तुम्हें रिजाइन करना पड़ेगा? कैसी बातें करते हो तुम? बात यहाँ तक पहुंच चुकी है, लापरवाही की भी हद होती है। अगर काम नहीं होता तो पहले कह देना चाहिए था। सर मैंने आपसे पहले कहा था कि मेरी अपनी प्रॉब्लम है। तो मेरी भी तो प्रॉब्लम है। सुनो डीके, मुझे कंपनी चलानी है, अकेले तो मैं नहीं चला सकता हूँ। बोलो क्या बात है? ठीक है जाओ, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी मालूम है, ठीक है जा सकते हो। अंकल आप मुझे बोटिंग ले जाएंगे? जरूर। और राइडिंग? हाँ राइडिंग भी ले जाएंगे। और चीना पीक? चीना पीक जाओगे? हाँ पैदल? हाँ, वो रहा मास्टर जी का घर। मास्टर जी, अरे तिवारी जी, कब आया? अभी आज सुबह आपने हमें ढूंढ लिया। हम तो 2 बजे राहुल के एडमिशन के लिए स्कूल आने वाले थे। हाँ, हाँ, प्रिंसिपल साहब ने मुझे बताया। बेटे नमस्ते करो। नमस्ते। कैसे हो बेटे राहुल? ठीक हूँ, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक। मास्टर जी कहाँ है? वो तो गुजर चुके हैं। अरे कब? कुछ ही दिन पहले उनका दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया। मुझसे झूठ तो नहीं बोला? क्या बेटा? ऐसा तो नहीं कि मेरे पापा है ही नहीं? अभी आते हैं बेटे। But you must understand, it's a genuine problem. I understand, but to... Tiwari ji, meri admission yahan ho jayegi? Haan bete, koshish to kar rahe hain. Phir mujhe yahan hi rehna padega? Haan, yahan hostel hai na?
वहीं पर रहना. So we can send the boy after 10 days. That's on the 7th. Thank you very much, brother. It's very close the door, please. Oh, sorry. इसकी जो किताबें वगैरह हैं क्लास की वो हमें कहाँ से मिलेंगी? ऑफिसर लिस्ट मिल जाएगी. I see. और जो यूनिफॉर्म्स हैं वो हम बनवा लें या? यही बन जाएंगे. अच्छा. राहुल यहाँ आइए. ये आपके प्रिंसिपल साहब हैं. This is the boy. कैसे भेजेंगे इसे? ये वो मैं दिल्ली जाऊंगा तो इसे लेता आऊंगा. तिवारी जी लेते हैं. हेलो यंग बॉय, तो आप हमारा स्कूल ज्वाइन करने वाले हैं. थैंक यू. बोलो बेटा, प्रिंसिपल साहब आपके एडमिशन के लिए मान गए हैं. थैंक यू. बोलो तो ब्रदर, फीस के लिए अगर मैं आपको चेक भेज दूं तो चलो. ऑफिस दो दिन के बाद खुलेगा, आप आके कागजात दस्तखत कर दीजिएगा. जी बहुत अच्छा. ओके ब्रदर, बुक. थैंक यू सो मच. दस दिन के बाद भेज देना इसे. एंड डू नॉट बी लेट. मुझे देश से आने वाले लड़के पसंद नहीं, समझे? चल रहा. ओके ब्रदर, थैंक यू. अंकल, ये नारा अंदर गया है. नारा अंदर गया? इसको इसको बांधो ना ऊपर से ऐसे ही. ये लो. ऐसे ही सो जाओ ना. नहीं गिर जाएगा. अरे कुछ नहीं गिरेगा, गिरेगा कंबल ओढ़ के सो जाओ. सो जाओ. अंकल टाइम क्या है? 8:30. क्यों? मैंने बाथरूम में दांत ब्रश कर रही होगी और इनकी जोर जोर से दरवाजा खटखटा रही होगी. जल्दी कर ना मिनी. अरे इतना शोर क्यों मचा रखा है? मैंने इस मिनी को कहा ना, कितनी देर रहती है बाथरूम में. छी गंदी बच्ची, मुंह धो जाकर. और सुनो, तुम दोनों आज मेरे साथ ही सो जाना. मम्मी आपको अकेले डर लगता है? अब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. अच्छा बेटे, आप भी हमें बहुत अच्छे लगते हैं. जब पापा आएंगे ना, मैं उनके साथ नहीं रहूंगा. क्यों? मैं आपके साथ ही रहूंगा. फिर मैं आपको पापा बुला सकूंगा. तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं. ओ हैरान हूँ मैं तेरे मासूम सवालों से, परेशान हूँ मैं. संभालने होंगे मुस्कुरा.
रखा है ओ तुझसे नाराज ही जिंदगी हैरान हूँ मैं ओ हैरान हूँ मैं अच्छा लगने लगेगा और भी तो बच्चे रहते हैं यहाँ मैं दिल्ली में नहीं रह सकता नहीं आपको यहीं रहना है हॉस्टल में कुछ दिन समझे मैं आपके साथ क्यों नहीं रह सकता तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं ओ हैरान हूँ मैं ये कौन है ये मैं हूँ और मेरे पापा आपके पापा चश्मा पहनते हैं तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं ओ हैरान हूँ मैं तेरे मासूम सवाल से परेशान हेलो राहुल हेलो हेलो मिनी तो
अभी इतना चिल्ला रही थी राहुल भाई आ गए राहुल भाई आ गए, और अब उनसे बात भी नहीं करती। नहीं, मैं सही में चिल्ला रही थी। अभी जितना शर्मा रही है ना, उतना ही बात में तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। नहीं। क्या कह रही है? राहुल, तुम्हें एडमिशन मिल गया नैनीताल में? तो फिर तुम चले जाओगे? इंदु, चंदा, क्या हुआ? मेजर साहब और मैं फिर से तुम समझ गई ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? हाँ। Oh, Indu, this is the happiest day of my life. तुम तो कहती थी तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं है, किसी परिवार की जरूरत नहीं है, कि तुम आजाद औरत हो। आई नो Indu, आई नो। अगर मैं सिर्फ औरत होती तो ठीक था, लेकिन माँ भी तो हूं। जब मेरे बेटे ने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहा प्लीज मम्मी घर चलो, तो मुझसे रहा नहीं गया, मुझसे रहा नहीं गया इंदु। एक बात कहूं इंदु, जब मां की भावना जागती है उसके सामने औरत नहीं खड़ी रह सकती। अरे 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 मम्मी। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। तुम बताओ ना, तुम क्या हो गया? मम्मी मेरे पास आ गई, माँ जी उसने पकड़ मोटी को। वाह भाई वाह। राहुल भैया ने सिखाया, नहीं तो कैसे फंसाती? राहुल कौन? राहुल भैया, वो जिसके बारे में बताया था। वेरी गुड। अच्छा वह बच्चे घुल मिल गए। इसमें भी नहीं है, मेरे पर्सनल कागज अनीता, मेरे पर्सनल कागज जिसमें राहुल के नैनीताल के सारे पेपर्स हैं, वो सब कहाँ हैं? वो सब आपको एक पर्सनल फाइल में रखना चाहिए। मैं कहाँ है आपसे? जस्ट लुक फॉर देम। वो सब नैनीताल भेजना है राहुल के साथ। उस वाले ड्रॉर में देखिए, बाकी वाला नीचे वाला। सर यही पेपर्स हैं क्या? हाँ यही है। कहाँ रखी थी? इनको आप ठीक से फाइल में क्यों नहीं रखती है? थैंक्स। और बेटे ये कागज संभालो। अच्छा, ये तुम्हारे कागज हैं, इनको घर ले जाना। यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे तुम? मेरे कैबिन में जाकर करो। चलो मैं जरा धवन साहब से मिला। हेलो बेटे। बेटे चिट्ठी उन कागजों में से गिर गई होगी, ये वहीं रख दो। किसकी है? मिस्टर मल्होत्रा फ्रॉम गुरुदयाल सिंह नैनीताल। मुझे दे दो। अच्छा अच्छा, हाँ वो तो आपसे बेस्ट आर्किटेक्ट से प्रपोजल मंगवाई थी, तो फिर अच्छी होनी थी। लगता है कुछ बात बन रही है। जी हाँ, तो ठीक है फिर मैं आपको कल फोन करूंगा। अच्छा तो फिर दो तीन दिन के बाद। अच्छा बंसल साहब, थैंक यू। डीके, लगता है बंसल साहब को तुम्हारी प्रपोजल बहुत पसंद आई। डीके, आई एम सर्टन आफ्टर दिस कॉन्वर्सेशन विद हिम दैट दिस कॉन्ट्रैक्ट इज पॉजिटिव। दैट्स ग्रेट। नाउ व्हाट वी गॉट टू इंश्योर इज दैट व्हेन द फर्स्ट प्रेजेंटेशन। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। चलो बेटा।
पेपर्स मत बोलना मेरे। अच्छा Who's this smart boy, DK? This is Rahul, sir. Namaste, karo. Namaste, karo. Hello, son. Kiska beta ye? Mere ek dost ka, sir. Bahut pyara bachcha hai. Kahan padhta hai ye? Nainital jaane wala hai, boarding school. दरवाजा खुला था। डीके मल्होत्रा बोला हूँ सर, सुई साहब को बुलाओ, बहुत जरूरी काम है। जी लेकिन वो तो सो रहे हैं। मुझे मालूम है सो रहे होंगे, उठाओ उनको, मैं कह रहा हूँ। इंदू प्लीज सर सुई से कहो मैं उसको लेने आ रहा हूँ, तैयार रहो। कमॉन कमॉन सुई हरिया। Thank you.
पुलिस चौकी चलते हैं। चल। ओ भाई की हालचाल है, कैसा चल रहा है सब कुछ? ओ भाई तू आया नहीं, हमने तो तुझे बुलाया था उस दिन, तू आया ही नहीं। हाँ भाई भाई किस दिन यहाँ तो टाइम ही नहीं मिलता। आप जरा जल्दी कर सकते हैं? बाप का नाम जानकर आप क्या करेंगे? बच्चे का नाम आपके पास है, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपके पास है, उसे ढूंढकर आप क्या बाप का नाम पूछेंगे उससे? बाप का नाम डी के मल्होत्रा। भाई जोर से बोलिए। डी के मल्होत्रा, आपको सुनाई नहीं देता क्या? डी के मल्होत्रा। चुप यार, चुप। ठीक है, कुछ मालूम हुआ? वो मिला क्या? कहाँ से बोल रही? मैं यहाँ पुलिस स्टेशन के पास पेट्रोल पंप है, वहां से बोल रहा हूँ। मैंने रिपोर्ट तो लिखा दी है पुलिस स्टेशन, कुछ हो ही नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा। मालूम क्या हो गया उसे? ठीक है, देखो तुम घर चले आओ, वहां बैठे रहने से क्या होगा। भाई साहब, भाई साहब कुछ मालूम हुआ? और जी नहीं, अभी कोई खबर नहीं। भाई साहब आप मुझे ये बताइए कि आपका इतना बड़ा पुलिस डिपार्टमेंट किस काम का है? एक बच्चे को नहीं ढूंढ सकते आप? अभी आप बैठे किस लिए? थैंक यू जी, थैंक यू। यू कांट इवन फाइंड अ होटल नाउ। जी ये लड़का हमें मिला, आपका है क्या? ये चिट्ठी इसकी जेब में से मिली थी, हमें बता ही नहीं रहा था कहाँ रहता है, इसमें यहाँ का पता लिखा है। जी साइन कर दो यहाँ। कहाँ गए थे? मैं पूछ रही हूँ कहाँ गए थे? पूछ रही हूँ तुमसे, कहाँ गए थे तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती? मेहमान बनके किसी के घर में आए, तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, बजाय इसके कि एहसानमंद हो तुम ऐसी हरकतें करते हो। अब मेरे सामने ऐसे बुत बन के खड़े होने से क्या होगा? इतना भी नहीं कि आके माफी मांग लो, सॉरी कह दो। शुक्र है जा रहे हो, छुटकारा मिलेगा सबको। जब से आए उस घर का चैन खत्म हो गया। तुम्हें मालूम है मिनी और विंकी कितने परेशान हो रहे थे? मिनी का तो रो रो के बुरा हाल हो गया था, और मैं कब से इस घर के गेट चक्कर काट रही हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम लोग कहाँ जाते, क्या करते? इस तरह आधी रात को इस शहर में उठ के जाता है कोई, बच्चों को उठा के ले जाते हैं यहाँ से, सारे शहर की पुलिस ढूंढ रही है तुम्हें। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारे पापा और मैं, मेरा मतलब है तुम्हारे अंकल और मैं। मुझे मालूम है। क्या मालूम है? कि वो मेरे पापा है, चिट्ठी में लिखा है।
देखा चले गए। जरूर सुनो, उसे मालूम हो गया। क्या? कि तुम उसके क्या लगते हो। कैसे? उसके पास मिले, उसके पास चलो, बोलते हैं। I can understand. I just can't. हम समझ सकते हैं। जो बच्चा इतने सालों से अपने बाप के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा हो और पहुंच जाए, और बाप उसे स्वीकार ही ना करे, उसे अलग रख दे, उसे कहीं दूर भेज दे, तो तुसी सोच लो कि उस बच्चे के दिल पे क्या गुजरेगी। सॉरी यार, बस कह दिया। गुड नाइट। चलो सो। तुम जाओ, मैं कुछ देर बाद आती हूँ। सुबह बच्चों को टैक्सी में स्कूल छोड़ा, राहुल को स्टेशन ले जाऊंगा। I'm
सॉरी आंटी। चलो मिनी, चलो मिनी, देर हो रही है। मम्मी, राहुल क्यों भाग गया था? पता नहीं। अब वो वापस नहीं आएगा मम्मी? पता नहीं। वो उधर जाकर किसके पास रहेगा? अपने पापा के पास। लेकिन उसके तो पापा नहीं है। हाँ हाँ, उन्होंने मुझे तस्वीर बना के दिखाई अपने पापा की। अरे, ये तो राहुल की स्केचबुक है। हाँ, उन्होंने मुझे दी है। ये मम्मी, ये मैं, ये तुम, ये पापा और ये राहुल भैया, और ये राहुल भैया और ये उनके पापा। राहुल की तस्वीर तुमने काटी? नहीं। राहुल बाबा को लेकर स्टेशन चले गए। वो 55 और वो 56 नंबर सीट है। राहुल,
हाँ बेटे जरूर है, जब आप कहें। आप मुझे फिर से भूल तो नहीं जाएंगे? नहीं बेटे, कभी नहीं, अब नहीं, तुम तो नहीं भूलोगे। आप मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, आप तो मेरे पापा है ना। हाँ बेटे, मैं आपका पापा हूँ, मैं आपका पापा हूँ। जी इसके जी हमने सब इंतजाम कर दिया, बिल्कुल। आयुषा मैंने सब कर दिया, आप फिक्र मत कीजिए। सुनिए खाने का, खाने का इंतजाम मैं अंदर कर दूंगा, आप बिल्कुल फिक्र मत। सुनिए सुनिए, इसको पानी मत पिलाइएगा स्टेशन। बहुत अच्छा, इसके पानी की बोतल रख लीजिए। पानी की बोतल तो इसके पास है। आपके पानी की बोतल कहाँ? मैं भी लेकर। लेकिन डीके साहब ट्रेन का वक्त हो गया, डीके साहब प्लीज ट्रेन का वक्त हो गया। डीके साहब ओ भाई साहब टिकट। सॉरी भाई साहब, मैं अभी वापस आ रहा हूँ, मुझे बाहर से कुछ लाना है। वो तो ठीक है, लेकिन टिकट तो होना चाहिए ना। है मेरे पास, मगर कहाँ है? मेरा बच्चा गाड़ी में बैठा है, मुझे उसकी वाटर बॉटल लानी है, मैं अभी दो मिनट में वापस आ रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ खड़े हो जाइए। टिकट मैं आपसे कह रहा हूँ है मेरे पास। मैं जो कह रहा हूँ आप यहाँ खड़े हो जाइए। ये किसकी गाड़ी है? ये किसकी गाड़ी है? वो रहा साहब उधर उधर है? वो रहा साहब। साहब आप अपनी गाड़ी हटाइए ना यहाँ से, कोई पार्किंग करने का तरीका है? मैं अपनी गाड़ी का दरवाजा नहीं खोल सकता। अरे आप अभी निकालता हूँ, अभी निकालता हूँ। अरे मुझे समय निकालना है, गाड़ी छूट रही है। यहीं बैठे रहोगे या घर भी चलोगे? तो वो आदमी
रुमाल और पेन है क्या? फेंक दो और तीनों भी फेंक दो। तो वो तो